आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आप सभी ने हमारे ऑनलाइन कोर्सेज पर भरोसा दिखाया, जिस प्रकार से आप सभी ने अपना प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इसी कड़ी में कॉम्पिटिशन कम्युनिटी की तरफ से आज मैं एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। कॉम्पिटिशन कम्युनिटी 30 जुलाई 2020 से अपना पहला पेनड्राइव कोर्स लॉन्च करने जा रहा है, वो भी महा डिस्काउंट के साथ, जिसमें 4 टाइप के पेनड्राइव कोर्सेस होंगे, जिसके माध्यम से आप छत्तीसगढ़ के इन एग्जाम्स की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। इस पेनड्राइव कोर्स की खास बात यह है कि इसमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती। इस पेनड्राइव कोर्स के माध्यम से हमारा मकसद है शहरी क्षेत्रों के अलावा उन स्थानों तक भी पहुँचना जहाँ आज भी इंटरनेट की सुविधा नहीं है। तो बिना इंटरनेट के भी आप तैयारी कर सकते हो इस पेनड्राइव कोर्स के माध्यम से। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखें, 26, 27 और 28 जुलाई को हमारे ऑनलाइन कोर्सेज पर जो महा डिस्काउंट दिया जा रहा था, आप लोगों की डिमांड के बाद उसे एक्सटेंड कर दिया गया है 3 दिनों के लिए, और 30, 31 जुलाई और 1 अगस्त को भी आप उस महा डिस्काउंट का फायदा ले सकते हैं। तो देर न करें, जल्दी करें और विजिट करें हमारी वेबसाइट competitioncommunity.com, या फिर आप हमें इन दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दी कर इंटरफेस शो में, और मैं हूं आनंद कुमार। आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं हाल ही में यूनियन कैबिनेट की तरफ से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर अप्रूवल दे दिया गया है। इस अप्रूवल के बाद स्कूल एजुकेशन में किस प्रकार से चेंजेस आने वाले हैं, हायर एजुकेशन में किस प्रकार से चेंजेस आने वाले हैं, सब कुछ ब्रीफ में एनालिसिस करने वाले हैं आज हम इस शो में। तो चलिए आज के दी करेंट अफेयर शो की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दे दी। ऐसा माना जा रहा है कि इस एजुकेशन पॉलिसी से स्कूल और हायर एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। खास बात यह है कि यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति होगी। इससे पहले 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाया गया था और अब 2020 में यानी कि 34 साल बाद यह शिक्षा नीति लाई गई है, और यह शिक्षा नीति यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के उद्देश्यों को पूरा करने के उद्देश्य से भी लाया गया है, जिसमें कहा गया है 2030 तक हर बच्चे तक उच्च गुणवत्ता शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित किया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पर अब हम समझने का प्रयास करते हैं। इसे हम दो तरीके से समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट, स्कूल एजुकेशन में किस प्रकार से बदलाव किए गए हैं या फिर इसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको जानेंगे। उसके बाद हायर एजुकेशन में किस प्रकार से बदलाव किए गए हैं और इसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे स्कूल एजुकेशन की। स्कूल एजुकेशन में अभी जो सिस्टम है वो है 10+2 का, इसे ख़त्म कर दिया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 10+2 सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसके जगह पर लाया गया है एक फॉर्मूला और उस फॉर्मूले का नाम है 5+3+3+4। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। 10+2 फॉर्मूला को खत्म करके 5+3+3+4 फार्मूला लेकर आया गया है। ये फार्मूला क्या है मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ये फार्मूला सबसे पहले आपका होगा, यहाँ पर 5 का मतलब है फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज में 3 साल सबसे पहले बच्चों को जो है वो आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ाया जाएगा, जहाँ पर उनको प्रारंभिक जो है शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद अगले 2 साल उनको स्कूल में पहली और दूसरी कक्षा की जो शिक्षा है वो दी जाएगी। इसमें 3 साल से 8 साल के बच्चे जो हैं वो शामिल होंगे। तो 3 साल कहाँ, आंगनवाड़ी केंद्र में, और 2 साल कहाँ, स्कूल में। तो सबसे पहला 5 ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा 3 जो है वो है, इसे आप प्रारंभिक स्टेज भी कह सकते हो, जहाँ पर तीसरी कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक की शिक्षा दी जाएगी, यानी कि 3री, 4थी और
पांचवें। इसमें बच्चों को साइंस, मैथ्स, आर्ट भी पढ़ाया जाएगा और यहाँ पर 8 साल से 11 साल तक के बच्चों को जो है वो शिक्षा प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड जो है 3, इसके बारे में क्लियर हो गया। इसके बाद जो थर्ड फॉर्मूले में 3 आता है, उसका मतलब है 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक का, यानी कि 6th, 7th और 8th, इसे हम मिडिल क्लास के नाम से जानेंगे। क्लियर है? जिसमें 11 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा लेवल अप करके। उसके बाद जो अगला स्टेज आता है वो आता है सेकेंडरी स्टेज का, और ये फॉर्मूला 4 होगा, यानी कि 5 कंप्लीट 3 कंप्लीट 3 कंप्लीट, और इसके बाद लास्ट बच जाता है 4। तो पहले क्या हुआ करता था कि हम अगर विषय बदलना चाहते हैं तो 10वीं के बाद 11वीं में अपना विषय बदलते थे। अब यहाँ पर आपके पास 9th क्लास के बाद ही अपने अनुसार विषय को बदलना चाहो तो बिल्कुल बदल सकते हो। कहने का मतलब है कि अब आप यहाँ से गहन अध्ययन करना शुरू कर सकते हो 9th क्लास से, और 10th और 12th की जो बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं उसे भी सरल बनाया जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, 10+2 का जो फॉर्मूला था वो ख़त्म करके अब लेकर आया गया है 5+3+3+4 का फॉर्मूला। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्कूल एजुकेशन में जो चेंजेस किया गया है वो इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ, उसे भी आप ध्यान से समझिएगा। इस नई एजुकेशनल पॉलिसी में 5th क्लास तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा में भी शिक्षा दिया जा सकता है, इसे 8th क्लास तक भी बढ़ाया जा सकता है, और उसके बाद सेकेंडरी स्टेजेस में यहाँ पर विदेशी भाषाओं को भी पढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस शिक्षा नीति में ये बात भी क्लियर किया हुआ है कि कोई भी भाषा किसी पर थोपा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है कि 5th क्लास तक मातृभाषा में भी पढ़ाया जाएगा, उसे 8th क्लास तक भी बढ़ाया जा सकता है, और सेकेंडरी स्टेजेस में जो है वो विदेशी भाषाओं में भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा, यानी कि जोर जबरदस्ती जो है किसी राज्य के साथ में नहीं किया जाएगा। इस बात का इसमें क्लियर मेंशन किया हुआ है। एक बात यहाँ पर और आप लोग ध्यान रखिएगा, वर्ष 2030 तक 100% GER करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, यानी कि अभी भारत में 2 करोड़ लगभग ऐसे बच्चे हैं जो कि प्राइमरी एजुकेशन से वंचित हैं, इनको 2030 तक जो है 100% करने का लक्ष्य रखा गया है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। तो इतनी बातों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हो या फिर जो मैं बोल रहा हूँ उसके माध्यम से आप नोट्स बना सकते हो, ये सारे आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर कुछ और फैक्ट्स आप लोगों को याद रखना है, जैसे यहाँ पर शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक, यानी कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स NPST, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा वर्ष 2022 तक इसे विकसित किया जाएगा। उद्देश्य इसका क्या है, ताकि हाई क्वालिटी के टीचर्स को ट्रेन किया जा सके। इसके अलावा HRD मिनिस्ट्री का नाम बदल दिया गया है और इस मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, और ये आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर भी, ये आपका गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है HRD मिनिस्ट्री का, जो कि अब ऊपर आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दिखाई दे रहा होगा। तो अब इस मंत्रालय का नाम चेंज कर दिया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। प्रीलिम्स के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदला गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर रखा गया है क्या, शिक्षा मंत्रालय, और इसके मंत्री कौन है, श्री रमेश पोखरजी, तो इनका नाम भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर रहे थे, ये क्लियर हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का नाम बदल कर रख दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये क्लियर हो गया। इसके अलावा अभी वर्तमान समय में इंडिया में एजुकेशन पे खर्च जो किया जाता है कुल GDP का 4.43% किया जाता है, लेकिन आने वाले समय में इस पर खर्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया है 6% तक का, यानी कि 6% तक का
इस एजुकेशन पॉलिसी में मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अभी जीडीपी का खर्च किया जाता है 4.43%, लेकिन अब खर्च किया जाएगा 6% तक। और जैसा मैंने बताया कि टारगेट रखा गया है वर्ष 2030 तक 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के युवाओं को या फिर बच्चों को, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, उनको उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिलना चाहिए। इस एजुकेशन पॉलिसी में इन बातों का भी बखूबी ध्यान रखा गया है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे हायर एजुकेशन की तरफ। तो हायर एजुकेशन में सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि हायर एजुकेशन को एकीकृत करने के लिए, यानी कि एकल खिड़की प्रदान करने के लिए भारत उच्च शिक्षा आयोग यानी कि हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किए जाने का प्रस्ताव यहां पर रखा गया है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, ताकि हायर एजुकेशन के सिस्टम को चलाने के लिए एकल खिड़की की व्यवस्था हो। इसके अलावा हायर एजुकेशन में ये भी टारगेट रखा गया है कि 2035 तक 50% GER यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि 2018 के आंकड़ों के अनुसार 26.3% है। GER का मतलब, जैसे मैंने पीछे बताया कि कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं उसके कंपैरिजन में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, सरल शब्दों में आप इसे इस तरीके से समझ सकते हो। और उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो हायर एजुकेशन से रिलेटेड आप इन तीन फैक्ट्स को बहुत ध्यान से नोट करके रखिएगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और समझिएगा, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज समझ लीजिए कि आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में गए और आप 3 साल यानी कि 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आपने कॉलेज छोड़ दिया। तो अभी क्या है, आपने कॉलेज छोड़ दिया आपको डिग्री नहीं मिलेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग। अब क्या होगा, अगर आपने छोड़ दिया है तो 1 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल के बाद आपको डिप्लोमा मिल जाएगा और 3 और 4 साल के बाद आपको डिग्री प्रदान कर दिया जाएगा। तो ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखिएगा। इसके अलावा जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं, इंडिया जो है रिसर्च पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहती है और ये बहुत ज़रूरी भी है। किसी भी डेवलप्ड कंट्री में देखोगे तो अगर उसका हिस्ट्री खंगालोगे तो वहाँ पर रिसर्च बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो इंडिया अपने एजुकेशन सिस्टम में रिसर्च को बढ़ावा देना चाहती है, इसीलिए 4 साल का एक डिग्री प्रोग्राम भी होगा रिसर्च के लिए। इसके अलावा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी की जाएगी, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार भी किया जाएगा, यानी कि छात्रवृत्ति पोर्टल कहने का मतलब है कि अगर आप रिसर्च करते हो तो गवर्नमेंट आपको पैसा देती है, अगर आप पीएचडी करते हो तो गवर्नमेंट आपको पैसा देती है, यदि फिर आप अगर किसी कैटेगरी से आते हो ओबीसी एससी एसटी तो उस पर भी कुछ आपको छात्रवृत्ति दिया जाता है। तो छात्रवृत्ति के अलग अलग कैटेगरी होते हैं, तो इसके लिए एक अलग से पोर्टल का विस्तार किया जाएगा, ये भी बात इसमें कहा गया है। ई पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे, जैसे नेशनल लेवल पर अगर आप देखोगे तो क्षेत्रीय भाषाओं का ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ई पाठ्यक्रम में क्षेत्रीय भाषाओं को विकसित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि पूरे इंडिया में क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हो सके। जैसे कोई तमिलनाडु का है, कोई केरला का है, तो उन भाषाओं के विकास से उन भाषाओं के बारे में जानने का भी मौका अदर स्टेट के बच्चों को भी मिल सकेगा। इसके लिए एक वर्चुअल लैब का विकास किया जा रहा है, जिसका नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम, यानी कि नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी, हालांकि आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, बहुत विस्तार से है, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जिसे जानना आपको प्रेजेंट टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उतने ही की पॉइंट्स को मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इसके अलावा कुछ और अदर फैक्ट्स पर हम यहाँ पर बात करें, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि स्थानीय भाषाओं का यहाँ पर बढ़ावा दिए जाने का जो प्रयोग है वो लगातार किया जाएगा इस एजुकेशन पॉलिसी में। तो इसमें चाहे संस्कृत हो, चाहे अगर किसी राज्य का भाषा हो, या फिर जो भाषाओं से संबंधित इंस्टीट्यूशंस हो, उनको मजबूती प्रदान करने का काम भी इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किया जाएगा। तो इस तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में
स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन में बड़े बड़े चेंजेस किए गए हैं और लक्ष्य रखा गया है 2030 तक सभी बच्चों तक हाई क्वालिटी का एजुकेशन पहुंच सके, अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा पहुंच सके, देश में रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके और बच्चों के कंधों से थोड़ा सा बोझ कम किया जा सके। इसीलिए 10th और 12th का जो बोर्ड का परीक्षा होता है उसे भी थोड़ा सा यहाँ पर सिंपल बनाने की कोशिश की जाएगी इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत में, और विदेशियों को भी इंडिया में पढ़ने का अवसर प्रदान किया जाए उसकी बात भी इस एजुकेशन पॉलिसी में की गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी भी तरह से अगर कोई आपके मन में सवाल है या फिर शंका है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोज़ पसंद आने पर लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें। तो आज के दी करेंट अफेयर्स में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।